फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बेटे के स्कूल में है टीचर्स डे और उसकी तबीयत हो गई है ख़राब। उसको हो गया फीवर पिछले 2 दिन से। अब मैंने ये कुछ कटिंग करी है। अब जैसे जैसे वो बोलेगा ड्रॉ करना है, वैसे वैसे मैं ड्रॉ करूँगी। अभी मैं ये कटिंग करके इसका ये सब जो है यहाँ रख रही हूँ। उसके बाद वो जैसे जैसे बोलेगा कि ये बना दो, वैसे वैसे मैं बनाना शुरू कर दूँगी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसको फीवर की वजह से मुंह अंदर से पूरा सोर हो गया है उसका। तो मैंने यहाँ पर जो जल्दी जल्दी में कटिंग करी, अब उसने कहा कि मम्मा शार्प्स के यूज़ करके आप थोड़ा सा कुछ बनाओ। तो मैंने शार्प करके एक फ्लावर शेप देने की कोशिश करी। मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ इसमें, बट स्टिल कोशिश करी उसकी हेल्प करने की। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी कटिंग काट कर कार्ड्स पर पेस्ट कर दी। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी उसका कुछ सामान था जो पड़ा हुआ है, तो मैंने वही यूज़ किया है कटिंग्स काट के, और ये फ्लावर्स पेंसिल शार्प करके उसका फ्लावर यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने कटिंग थोड़ी ज़िगज़ैग में करके जो ग्रीन शीट थे वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिए, और साथ में लगा दिया इसके ऊपर थोड़ा कलरिंग के साथ। कुछ बटरफ्लाइज थी मेरे पास, वो मैंने पेस्ट कर दी उसके ऊपर, और थोड़ी सी कटिंग थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन से लगा कि शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, तो थोड़ा इस तरह से बना दिया। ये कैसा लग रहा है पता नहीं, बट उसने जैसे बोला कि ऐसे ऐसे बना देना, तो मैंने वैसे वैसे इसको बना दिया है। वहीं दूसरा कलर से कि हाँ मून स्टार्स लगाओ उस पर, तो मून स्टार्स लगा दिए, क्लाउड बना दिया, और एक छोटा सा क्रीपर दिखा दिया, और उस पर थोड़ी सी कलरिंग कर दी मैंने कुछ इस तरह से। वो ठीक होता तो वो सब खुद ही बनाता, लेकिन सडनली उसको पता नहीं गर्मी जैसे हो जाती है, और उसके बॉडी में ऐसे फीवर आ गया और उससे मुंह भी पक गया उसका, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। ओके, तो 2-3 दिन से उसको फीवर भी रहा, और शायद मुंह पकने की वजह से फीवर हो गया उसको। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बना दिया दूसरा भी, और कुछ ऐसा आइडियाज़ उसके ही हैं, ये आइडियाज़ उसके ही हैं कि ऐसे ऐसे करना, और वैसे वैसे मैंने कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है ये, और देखने में तो ठीक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना। ओके, तो ये थर्ड कार्ड है जो रेडी हुआ है, और इस पे राइटिंग सेम लिख दी है मैंने। अब ये फोर्थ है, तो फोर्थ पे ऐसे थोड़ा सा कर दिया। वो पता नहीं क्या कहता है ऐसे कटिंग करके कि मेरी रोबोटिक्स वाली टीचर्स को देना है, तो उसको थोड़ा इस तरह से कटिंग करो। अब मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया किस तरह से, तो मैंने ऐसे पेस्ट करके उसको दिखा दिया कि भाई ये है, पर अच्छा लग रहा था देखने में। अब बनाना है उनकी क्लास टीचर के लिए कार्ड, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप लेके उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया, और उसने कहा कि मम्मा इसको यहाँ यहाँ से कटिंग कर लेना आप। तो मैंने कटिंग कर लिया साइड वाइड में। अब अगर मैं उसके जैसा वो बोल रहा था वैसा नहीं बनाती ना, तो भी मेरे लिए आफत हो जाती कि ये क्या बना दिया आपने, क्या है। आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस, तो जैसा जैसा वो उसने गाइड किया मैंने वैसा वैसा इसको कर दिया। तो इस तरह से इसको काट लिया, और चारों तरफ से तीन तरफ से इसको काट लिया, फोल्ड करके तीन तरफ से इसको सीजर से थोड़ा सा डिज़ाइन देने की कोशिश करी। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद इस पर ग्लू लगा के एक शेप में, प्रॉपर शेप में, उसने अपने लास्ट ईयर का कुछ संभाल के रखा हुआ था वो दिया मुझे कि मम्मा इसको पेस्ट करो आप इस पर। तो मैंने कहा ओके कर देती हूँ भाई। तो मैंने इसलिए ये थोड़ा सा इस पर इस तरह से फेविकोल की मदद से बना लिया। येलो भी पूरा तंग कर रहा था, येलो भी बाजू उसी बाजू के ऊपर आकर बैठ रहा है जहाँ मैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से शेप दी इसको,
और फिर वो जो थ्रेड उसने मुझे दिया रोप सा हल्का सा, वो मैंने उसके ऊपर ये जो है इसको लगा दिया। कुछ इस तरह से ये बन गया। कैसा लग रहा है ये? थोड़ा फेविकोल जो है अभी वेट है, सूख जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो फिर वो ठीक लगेगा और अच्छा लगेगा। ऐसे बना दिया इसको, ये इसकी क्लास टीचर के लिए बनाया कार्ड। मेरे से जैसा बनता था मैंने वैसे वैसे इसकी हेल्प कर दी। अब कहने लगे कि भाई साइंस टीचर है तो साइंस में इंसेक्ट बनाओ कोई। मैं ओके, क्या इंसेक्ट बनाना है, बटरफ्लाई बनाओ। बटरफ्लाई बना दिया और एक फैदर था तो फैदर लगा दिया उस पर और कलर करके कुछ ऐसा बन गया। और कटिंग करके और वो ये सब खुद करता अगर वो ठीक होता तो। अब ये सब मैंने कराया तो पता नहीं कैसा है, क्या है, जो भी है मैंने बना दिया उसके लिए। और ये थोड़ा सा आर्ट टीचर के लिए बना दिया। ये थोड़ा सा सच कहूँ तो कुछ इतना मेरे से नहीं बन पाया अच्छा जितना सोच रही थी, पर बना दिया कुछ इस तरह से। कम समय हो और जो आपके पास सामान हो उसी से बनाना हो तो आप इस तरह से टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये एक ये बना दिया और ये इस तरह से बन गए ये सब कार्ड्स आप देख रहे हो। देखने में तो अच्छे लग रहे थे, आपको कैसे लग रहे हैं बताना। अब जैसे मेरे से बनते थे मैंने उसकी हेल्प कर दी बनाने में, कटिंग वगैरह सब करके जैसा भी होता था। और आई होप पसंद आ जाए उसको भी। और उसकी टीचर्स को भी अच्छे लगे। हैंडमेड कार्ड है, होममेड कार्ड है। हाँ, और ये सब शिराज के आइडियाज़ हैं कि ऐसे बनाना है। इसके अलावा क्या हुआ कि भूल गए, एक कार्ड कम पड़ गया तो फिर उसको बनाया बाद में। तो वो उसको कलर से ही बनाया, आप देख रहे हैं कलर से ही उसको हमने रोज़ बना दिया उस पर, एक येलो रेड कलर का रोज़। तो ये सब कार्ड्स हैं जो बन गए हैं शिराज की क्लास टीचर्स के लिए। ये वाला हमने लास्ट में बनाया, एक कम पड़ गया उसकी टीचर के लिए और उसको सभी टीचर्स को देना है तो इसलिए उसने सभी मतलब सबके लिए कार्ड बनवाया उसने कि हाँ नहीं आप ऐसे बनाओ। और पूरा कि साइंस टीचर है तो ये होना चाहिए, कंप्यूटर टीचर है तो ये होना चाहिए, आर्ट टीचर है तो ऐसा होना चाहिए। तो अपने ही अलग आइडिया उसने दिए कि ऐसा होना चाहिए उनके लिए, ऐसा होना चाहिए। तो वैसे वैसे मैंने कर दिया। और ये बन गए सब कार्ड। टाइम तो लगा बनाने में, और जब मैंने उसको ये सारी दिखाए हैं लो जी एक एक करके बनता गया दिखाती गई, तो ही वॉज हैप्पी, खुश था कि हाँ मम्मा ठीक बनाया आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।